इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, क्योंकि पिछले टेंस के अंदर जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर हमने वहाँ पर ख़त्म इसलिए किया था ताकि हमें हमारी वीडियो लंबी ना हो सके, और अभी हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है। तो बेसिकली जो इसका स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसके जो भी स्ट्रक्चर होंगे उनको हम अभी कर लेते हैं, टेंशन नहीं लेनी, लेक्चर पूरा देखेंगे इंशाल्लाह आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आपको हिफ्ज़ हो जाएगा। तो सबसे पहले होता है हमारे पास अफर्मेटिव, सबसे पहले कौन सा होता है हमारे पास, अफर्मेटिव सेंटेंसेज होते हैं। अफर्मेटिव कौन कौन से होते हैं, अफर्मेटिव होते हैं वो सेंटेंसेज जिनके अंदर हम पॉजिटिव बात करते हैं, जिसमें हाँ वाली बात होती है, जिसमें सवालिया और नेगेटिव नॉट वाली बात नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ हाँ वाली बात होती है। और उसके बाद हमारे पास आएगा नेगेटिव, अब नेगेटिव वो जिसमें हमारे पास नॉट के वर्ड यूज़ होंगे, नॉट के। फिर होगा इंटरोगेटिव, वो जिसके अंदर हम सवाल पूछेंगे, फिर वो वाला जिसके अंदर हम इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा या इंटरोनेगेटिव जिसे बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम क्वेश्चन भी पूछेंगे और उसके अंदर हम नेगेटिव का वर्ड भी यूज़ करेंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे। तो ये इसके बेसिकली चार स्ट्रक्चर होंगे जो हम वन बाय वन भी करेंगे, और अभी हम इसका सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हैज बीन आएगा या फिर हैव बीन आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैज बीन या फिर हैव बीन, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट हैज बीन हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन हमारे पास इसको सही से लिख लेते हैं दोबारा, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सिंस आएगा या फिर फॉर आएगा, ये आपने लिखना नहीं बोलना, सब्जेक्ट हैज बीन हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड सिंस और फॉर आएगा। और नेगेटिव के अंदर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले आएगा हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारे पास हैज़ आएगा या फिर हैव आएगा, और हैज़ या हैव के बाद, हैज़ या हैव के बाद नॉट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, ये जो बीन है उसके बाद आएगा। आपने ये देखना है कि हैज़ और हैज़ बीन था ना, तो जो नॉट आएगा वो हैज़ और बीन के दरमियान में आएगा, जैसे हैज़ और हैव के बाद नॉट आएगा फिर बीन आएगा, देन हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, देन हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा, और देन हमारे पास सिंस एंड फॉर आएगा, और उसके साथ टाइम आएगा। अब है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव के अंदर हैज़ या हैव पहले आ जाएंगे, हैज़ या सिर्फ हैज़ और हैव आएंगे, बीन नहीं आएगा, हैज़ और हैव पहले आ जाएंगे और बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे रहेगा। सबसे पहले क्या आएगा, हैज़ आएगा या फिर हैव आएगा पहले, जब क्वेश्चन होंगे वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा कि हमने हैज़ या कब यूज़ करना है और हैव कब यूज़ करना है। देन हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, देन हमारे पास बीन आएगा, देन हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, देन हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा और सेंस आएगा एंड फॉर आएगा। अब हमने यहाँ पर नॉट क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये नेगेटिव का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरोगेटिव का है, और इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन मार्क भी आएगा। और एक होता है डबल सवालिया फिक्रे, जिसमें हम दो दफ़ा क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, जिसमें होते हैं ज़्यादातर ऐसे फिक्रे शुरू होते हैं व्हाट वेयर व्हेन व्हाई, तो उनके लिए हम यूज़ कर लेते हैं WH, ऐसे क्वेश्चन जो WH से शुरू हो रहे हों, या फिर हाउ वाले भी, हाउ मच हाउ मैनी और भी इतने क्वेश्चन हैं, तो ये इससे भी पहले हमारे पास हम ये यूज़ करेंगे। लास्ट वन हमारे पास इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो उसके अंदर क्या करेंगे हम, सेम पहले लिखेंगे हैज़ या हैव, हैज़ आएगा या फिर हमारे पास हैव आएगा, हैज़ आएगा या फिर हैव आएगा, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, उसके बाद हमारे पास आएगा सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, जैसे यहाँ पर था कि नॉट बीन से हमेशा पहले आएगा, नॉट जो है वो बीन से पहले आएगा, पहले नॉट आया फिर बीन आया है, तो नॉट आएगा बीन आएगा, देन हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, देन हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा और उसके साथ सिंस या फिर
सिंस या फिर फॉर आएगा। और सेम वही बात जो हमारे पास होता है डबल इंटरोगेटिव होता है, तो डब्ल्यू एच या फिर हाउ वाले पहले आएंगे, जिनमें हमारे पास क्या आएगा डब्ल्यू एच आएगा या फिर हाउ वाले क्वेश्चंस वाले होंगे वो हमारे पास इससे पहले आ जाएगा, और इसे हम कहेंगे डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चंस। तो ये हमारे पास चार इसके स्ट्रक्चर्स हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो अब हम इनको वन बाय वन कर लेते हैं ताकि हमारा जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम किस चीज़ को करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं अफर्मेटिव, सबसे पहले हम करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हैज बीन आएगा या हैव बीन आएगा, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस या फिर फॉर आएगा। यहाँ पर मैं एक फिक्रा लिखता हूँ, वो सुबह से सो रहा है। तो अब आप इसको पॉज करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अभी इसको देखें, वो है हमारे पास तो क्या आएगा, ही आएगा, ही। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ही आएगा, ही क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हमारा कौन सा आएगा हेल्पिंग वर्ब, हैज़ आएगा या फिर हैव आएगा। तो हमारे पास ही के साथ क्या आएगा, हैज़, ही हैज़ बीन, ही हैज़ बीन। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है, स्लीप है, सोने को स्लीप कहते हैं, ही हैज़ बीन स्लीपिंग। अब देखें सुबह से सो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, जब हमारे पास, अब हमने सुबह से कहा है, हमने पॉइंट को पॉइंट आउट किया, सिर्फ एक टाइम को हमने ड्यूरेशन तो नहीं ना बताया, हमने कहा वो सुबह से सो रहा है, तो फिर क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम सिंस यूज़ करेंगे, ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक हो गया, तो ये था हमारे पास पहला सेंटेंस। दूसरा हम देख लेते हैं कि हम सुबह से खेल रहे हैं, हम देख लेते हैं कि, या फिर हम कह लेते हैं फॉर वाला यूज़ कर लेते हैं कि हम दो घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, हम दो घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर टू आवर्स, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर टू आवर्स, हम दो घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देखिए हमारे पास ही के साथ सब्जेक्ट आया था, हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब आया, हैज़ हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आया, बीन कनेक्टर है, स्लीपिंग क्या वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, सिंस आया या फिर फॉर आएगा। और उसके बाद वी हमारे पास सब्जेक्ट है, वी के साथ हमने क्या लगाया, हैव बीन आएगा हमारे पास, क्यों, क्योंकि जो हमारे पास वी है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो हमारे पास यहाँ पर वी आएगा, हैव बीन आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई, देन हमारे पास ऑब्जेक्ट आया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में हमारे पास क्या आया, फॉर आया। तो ये था हमारे पास अफर्मेटिव, तो ये था हमारे पास अफर्मेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम इसके बाद दूसरे वाला कर लेते हैं ताकि आपको उसके बारे में भी क्लियर हो जाए। तो बच्चों हमारे पास जो दूसरे वाला है वो कौन सा है, दूसरे वाला हमारे पास है नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। दूसरा हमारे पास क्या होगा, दूसरा हमारे पास होगा नेगेटिव वाला। अब नेगेटिव में हमारे पास कौन कौन से होते हैं, नेगेटिव में हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैज आएगा या फिर हमारे पास हैव आएगा, और उसके बाद मैंने आपको बताया नॉट आएगा, प्लस हमारे पास बीन आएगा, प्लस बीन के बाद हमारे पास क्या आएगा, बीन के बाद हमारे पास आएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, देन हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास आएगा सिंस या फिर फॉर, सिंस आएगा या फिर फॉर आएगा। तो आपको इन चीज़ों को अच्छे से याद करना है, देखिए आपको इंशाल्लाह आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट आपको हिफज हो जाएगा, आपको ये सिंस फॉर यूज़ करना, हैज़ बीन, हैव बीन,
नॉट यूज करना है कैसे, देखिए हैज़ है ना, तो हैज़ के बाद नॉट आएगा, बीन से पहले आएगा। आपने याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव के बाद हमारे पास नॉट आएगा। तो अब देखते हैं हम इसका कुछ सेंटेंस बना लेते हैं। इसका हम सेंटेंस मिला लेते हैं कि वो सुबह से नहीं पढ़ा रहा, वो सुबह से नहीं पढ़ा रहा, वो सुबह से, या फिर हम लिख सकते हैं यूनस सुबह से इंग्लिश नहीं नहीं पढ़ा रहा। ठीक हो गया, सुबह से इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा। तो अब हम देखते हैं यूनस हैज नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि मैंने सिंस क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हम एक पॉइंट ऑफ टाइम कर रहे हैं। अब देखिए यूनस सिंगुलर नाम है, तो हमने इसके साथ क्या लगाया, हैज़ लगाया। हैज़ के साथ नॉट, हमें पता है कि हैज़ और हेल्पिंग वर्ब और बीन के दरमियान में नॉट आएगा। टीचिंग वर्ब की हमारे पास फोर्थ फॉर्म है, इंग्लिश हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सिंस आएगा, सिंस के साथ हमारे पास टाइम क्या है, टाइम हमारे पास मॉर्निंग है, सिंस मॉर्निंग। तो ये हमारे पास आ गया नॉट वाला। इसके बाद हम और को देख लेते हैं, इसके बाद हम कोई दूसरे एग्जांपल कर लेते हैं फॉर वाले। इसके अंदर हम फॉर यूज़ करें तो वो कौन से होगा, बच्चा पिछले दो घंटों से नहीं रो रहा, बच्चा पिछले दो घंटों से नहीं रो रहा है। ठीक हो गया, बच्चा पिछले दो घंटों से नहीं रो रहा है। तो अब इसके जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, बेबी हैज नॉट बीन क्राइंग लास्ट टू आवर्स, कि बेबी पिछले दो घंटों से नहीं रो रहा, फॉर लास्ट टू आवर्स, क्योंकि हमने पिछले दो घंटों की बात किया तो हम यहाँ पर लास्ट भी यूज करेंगे, बेबी हैज़ नॉट बीन क्राइंग लास्ट टू आवर्स। तो ये था हमारे पास इसका दूसरा स्ट्रक्चर नेगेटिव का। अब हम इसके बात करते हैं, इसका देखते हैं तीसरा स्ट्रक्चर। अब तीसरा स्ट्रक्चर भी इसी तरह इंशाल्लाह हम ईजीली आपको याद करवा देंगे और आपको कभी भी टेंसेस के अंदर कोई इशू नहीं आएगा। तो इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर तो अब हम देख लेते हैं इंटरोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, तो सबसे पहले हमारे पास आएगा हैज आएगा या फिर हैव आएगा, उसके बाद हमारे पास आएगा सब्जेक्ट, हैज़ या हैव के बाद सब्जेक्ट, देन हमारे पास बीन आएगा, देन हमारे पास क्या आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, देन हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा, देन हमारे पास सिंस आएगा या फिर फॉर आएगा। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं जब इंटरोगेटिव बनाते हैं तो ये हैव बीन या हैज़ बीन को सब्जेक्ट से पहले इकट्ठा लिख लेते हैं। तो आपने इस ये गलती नहीं करनी, आपने हैज़ बीन को पहले नहीं लिखना, सिर्फ हैज़ या फिर हैव को पहले ही लिखना है। तो हैज़ या हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, देन बीन आएगा, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और फिर सिंस और फॉर आएगा। क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो आपने ये बच्चों वाली गलती नहीं करनी जो एक आम छोटे छोटे बच्चे गलतियां करते रहते हैं। तो ये है हमारे चैनल का फ़ायदा कि हम आपको छोटी छोटी जो गलतियां बच्चे कॉमनली करते हैं उनको पता नहीं चलता, वो भी आपको पॉइंट आउट करेंगे कि आपने ये जो बीन है पहले नहीं लिखना, इसको आपने सब्जेक्ट के बाद ही लिखना है। तो देख लेते हैं हम कि इसका अगर हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो क्या बनेगा। हम कह देते हैं वो सुबह से खाना, अच्छा
या पर क्या क्या वो सुबह से खाना खा रहे हैं? क्या वो सुबह से खाना खा रहे हैं? तो अब इसका क्या बनेगा हमारे पास इंग्लिश में सेंटेंस? देखिए, क्या वो सुबह से खाना खा रहे हैं, तो इसका मतलब है एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हैव, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी आएगा। हैव दे बीन ईटिंग फूड? हैव दे बीन ईटिंग फूड? हैव दे बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग? समझ आ गया बच्चों कि हमने यहाँ पर क्या लिखना है? हमने यहाँ पर लिखना है, सबसे पहले हमारे पास हैव आ गया, सब्जेक्ट दे आ गया, बीन आ गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम आ गया। इसके साथ हम कोई और देख लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास ड्यूरेशन वाला और फॉर वाला आ जाए। हम लिख लेते हैं कि अली, क्या अली 2 घंटों से काम कर रहा है? क्या अली 2 घंटों से, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या अली 2 महीनों से, लिख लेते दो, क्या अली 2 महीनों से काम कर रहा है? क्या अली, अब अली एक है तो हम हैज़ लगाएंगे, हैज़ अली बीन वर्किंग फॉर 2 months? क्या अली 2 महीनों से काम कर रहा है? हैज़ आया, सब्जेक्ट अली है, बीन आया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई, हैज़ बीन वर्किंग, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास इसमें इसमें है नहीं, तो वो ज़रूरी नहीं होता ऑब्जेक्ट होना या ना होना सेंटेंस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास टाइप्स रहते हैं सेंटेंसेस की, वो भी हम आगे करेंगे। इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि हमने कोई काम स्पेसिफिक काम नहीं कहा, कोई भी काम होता है वो अंडरस्टूड होता है, वो कोई ना कोई काम कर रहा होगा, कोई मकान बना रहा होगा, कोई काम लिख रहा होगा या कोई पढ़ रहा होगा, तो काम यहाँ पर ऑब्वियस है, कोई ना कोई काम तो कर रहा होगा। तो अली देखे हमारे पास हैज़ हमारे पास हेल्पिंग वो पहले आ गया, सब्जेक्ट अली आ गया, बीन आ गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, देन हमारे पास फॉर आ गया। तो ये था हमारे पास इसका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर हमारे पास डबल सवालिया भी आते हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो डबल सवालिया के अंदर हम क्या करेंगे, इससे पहले हैज़ से पहले या तो वो डब्ल्यू एस से शुरू होंगे, जैसे कि व्हाट वेयर व्हेन व्हाई होगा, या फिर हाउ मच हाउ मैनी वाले होंगे, तो उसके साथ हम ये पहले यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ ताकि आपको कोई एक अच्छा सा सेंटेंस बना के सिखा सकूँ कि डबल सवालिया हमने कैसे बनाने हैं। इसको आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम डबल सवालिया कैसे बना सकते हैं। हम लिख लेते हैं वो 2 घंटों से क्यों खेल रहा है? अब देखें, वो 2 घंटों से क्यों खेल रहा है, तो क्यों के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे वाई, क्यों के लिए क्या आता है हमारे पास वाई आ गया, यहाँ से क्या आएगा, एक है सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, वाई हैज़, सब्जेक्ट क्या आएगा वो है तो ही आएगा, वाई हैज़ ही, फिर क्या आएगा बीन आएगा, वाई हैज़ ही बीन, फोर्थ फॉर्म क्या आएगी, खेलने कहते हैं प्लेइंग, वाई हैज़ ही बीन प्लेइंग। अब देखें प्लेइंग के बाद हमारे पास 2 घंटे हैं तो हम क्या लगाएंगे, 2 घंटों के लिए हम लगाएंगे फॉर 2 आवर्स और क्वेश्चन मार्क। देखें Why has he been playing for 2 hours? वो 2 घंटों से क्यों खेल रहा है, तो वाई यहाँ से वाई आ गया, हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब का यहाँ से आ गया, सब्जेक्ट ही आ गया, बीन आ गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई प्लेइंग। अब देखें वर्ब की फोर्थ प्लेइंग है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर वो क्रिकेट खेल रहा होगा, फुटबॉल खेल रहा होगा, तो ये ऑब्वियस चीज़ है, यहाँ पर आप क्रिकेट लिख भी सकते हैं कि वो 2 घंटों से क्रिकेट क्यों खेल रहा है, वो 2 घंटों से फुटबॉल क्यों खेल रहा है, तो यहाँ पर क्रिकेट आ जाना था या कोई भी गेम, तो
तो फॉर 2 आवर्स हमारे पास क्या आ गया, ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ गया। इसी तरह आप हमारे पास सिंस का कोई जुमला हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजेंगे। और लास्ट वन जो हमारे पास आएगा इसका स्ट्रक्चर, वो अब हम कर लेते हैं जो इसका लास्ट वन रह गया। और फिर इंशाल्लाह आज जो हमारा प्रेजेंट के टेंसेज हैं, जितने भी प्रेजेंट के टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट था, प्रेजेंट कंटिन्यूस था, प्रेजेंट परफेक्ट था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम करने जा रहे हैं हमारे पास जो चौथा आया इसकी स्ट्रक्चर वो कौन सी है, प्रेज है इंटरोगेटिव नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास कौन सी है, ये हमारे पास है इंटरोगेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव इसका जो स्ट्रक्चर होगा हमारे पास वो क्या होगा, वो हम पहले सबसे यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वो क्या आएगा, सबसे पहले हैज़ आएगा या फिर हमारे पास आएगा हैव, फिर हमारे पास क्या आएगा, फिर हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, हैज़ या हैव के बाद सब्जेक्ट आएगा, देन हमारे पास नेगेटिव आ गया तो फिर नॉट आएगा, देन हमारे पास बीन आ जाएगा, हैज़ हैव सब्जेक्ट नॉट बीन, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, देन हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देन हमारे पास सिंस आ जाएगा या फिर फॉर आ जाएगा, या ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखें सिंस और फॉर आ जाएगा, सबसे पहले हमारे पास हमने इंटरोगेटिव बनाना है तो हैज़ या हैव को सब्जेक्ट से पहले लाएंगे, नेगेटिव बनाना है सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, बीन से पहले लगाएंगे, बीन से पहले और सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर। कोई भी सेंटेंस देख लेते हैं, कोई भी सेंटेंस देख लेते हैं, यहाँ पर पॉज करके आपने खुद से कोई भी सेंटेंस बना के भेजना है मुझे, क्योंकि इससे पहले हम 3 कर चुके हैं स्ट्रक्चर, तो मैं आपको कोई भी यहाँ पर सिंपल सा करवा देता हूँ। और सिंपल करवाने का मकसद ये होता है कि आपको चीज़ों का बेसिक बताया जाए, और हम एडवांस भी करेंगे, अगर आपको किसी नहीं समझ आ रही तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें, इंशाल्लाह हम आपको वो करवाएंगे, उसका मैं आपको कमेंट सेक्शन में भेज दूंगा। तो यहाँ पर कोई भी हम बना लेते हैं, क्या वो सुबह से फिजिक्स, क्या वो सुबह से फिजिक्स नहीं पढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या वो सुबह से फिजिक्स नहीं पढ़ रहा है। तो अब हम इसका इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले देखें ना, वो एक आदमी की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, हैज ही सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आया ही, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, नॉट आएगा, हैज़ ही नॉट, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, उसके बाद हमारे पास आएगा यहाँ पर आप इसको जो प्लस है इसको कैंसिल कर दें, हैज़ ही नॉट, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, उसके बाद हमारे पास आएगा बीन, हैज़ ही नॉट बीन। अब पढ़ने को क्या कहते हैं, रीडिंग, Has he not been reading physics? Physics क्या लिखना है आपने, physics. Has he not, यहाँ पर physics का P बड़ा डाल लें, Has he not been reading physics? अब देखिए सुबह से तुम्हारे पास क्या आएगा, यहाँ पर since आएगा, since morning. इसका S छोटा होगा, इसमें confuse नहीं होना आपने, इसका छोटा होगा, हैज ही नॉट बीन रीडिंग फिजिक्स सिंस मॉर्निंग, क्या वो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा लास्ट में, क्या वो सुबह से फिजिक्स नहीं पढ़ रहा है। इसी तरह पर हम इसका एक और सेंटेंस देख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें मजीद क्लियर हो जाए। अब हम कोई हैव वाला सेंटेंस में लेते हैं, हैव और फॉर वाला, क्या वो 3 घंटों से, जैसे आजकल तो फिल्म 2 घंटों की आती है, क्या वो 3 घंटों से फिल्म नहीं देख रहे हैं, क्या वो 3 घंटों से फिल्म नहीं देख रहे हैं। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे या फिर इसको देखेंगे कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, अब क्या वो 3 घंटों से फिल्म नहीं देख रहे हैं,
मतलब एक से ज्यादा है, प्लूरल हमारे पास सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पर लगाएंगे हैव, हैव दे। अब देखें सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट, हैव दे नॉट बीन। के बाद हमारे पास देखने को क्या कहते हैं, वॉच, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी वॉचिंग, हैव दे नॉट बीन वॉचिंग मूवी, हैव दे नॉट बीन वॉचिंग मूवी फॉर 3 hours, क्या वो 3 घंटों से फिल्म नहीं देख रहे हैं। तो ये था हमारे पास इंटरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस। और इससे पहले जो डबल सवालिया बनते हैं तो हम इनसे पहले ही लिख लेते होते हैं WH वाले या फिर हाउ वाले, हाउ वाले या फिर WH वाले, ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वर्ड्स जो इसको डबल सवालिया बनाते हैं। ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते लेकिन हम यहाँ पर कोई चीज़ छोड़ नहीं रहे इसलिए कि बच्चों को कन्फ्यूजन रह जाए कि ये चीज़ सर ने तो करवाई नहीं थी। तो अब हम इसका कोई डबल सवाली वाला देख लेते हैं, इसको एक ही सेंटेंस देख लेते हैं, दूसरा आप हमें खुद बना के भेज दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। तो इसका हम कोई भी बना लेते हैं, वो सुबह से चाय क्यों नहीं पी रहा है, वो सुबह से चाय क्यों नहीं पी रहा है, वो सुबह से चाय क्यों नहीं पी रहा है, क्यों का होता है वाई, वाई से बाद क्या लिखना है हमने, तुम्हारे पास क्यों का, क्यों के लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे यहाँ पर, क्यों के लिए, क्यों के लिए, क्यों के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, क्वेश्चन वाला वर्ड्स हम यूज करेंगे वाई, और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, एक है तो हैज आएगा, वाई हैज ही नॉट बीन टेकिंग टी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई टी, सिंस मॉर्निंग, और क्वेश्चन मार्क आ गया हमारे पास, वो सुबह से चाय क्यों नहीं पी रहा है। अब देखें ये था हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसके अंदर हमने उर्दू के अंदर पहचान, इंग्लिश के अंदर पहचान की, और उसके बाद हमने इसके अंदर इसके चारों के चारों स्ट्रक्चर की, अफर्मेटिव किया, नेगेटिव किया, इंटरोगेटिव किया, इंटरोगेटिव नेगेटिव किया, और इसके अंदर हमने मुख्तलिफ एग्जांपल्स दे की इसके अंदर। उम्मीद है आपको ये टेंस कंप्लीट क्लियर हो गया होगा, फिर भी मुझे लगता है कि कुछ चीज़ मैंने छोड़ी इसके अंदर आपको समझाने वाली, कोई सेंटेंस आपको मुश्किल लगता है, कोई बनाना नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना भूलिएगा। इसी नाम से लर्न विद यूनुस वर्टू के नाम से फेसबुक पेज भी हमारा, तो उसके अंदर जाकर भी आप उसको विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं, हमारे फेसबुक चैनल से भी फ़ायदा उठा सकते हैं, और इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, ताकि पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर, पाकिस्तान, इंडिया, और जहाँ पर जो लोग इंग्लिश ग्रामर की वजह से परेशान हैं, वो हमारा चैनल देख कर अपनी इन टेंशन को दूर कर सकें और इलम के अंदर आगे से आगे बढ़ सकें। अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून।